समय रावे जनपद के विकास खंड हीरो क्षेत्र की ग्राम पंचायत एकौनी पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त हुए हैं और प्रधान जो विजेता के रूप में घोषित किए गए हैं। आइए हम इस समय सुषमा सिंह प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह के यहाँ पहुंच चुके हैं। हम हमारे पास प्रतिदिन राकेश कुमार सिंह उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं, विकास संबंधित कुछ खास बात करना चाहते हैं। पहले प्रधान जी, आपसे परिचय, नाम क्या? नाम मेरा राकेश कुमार सिंह है, सुषमा सिंह के प्रतिनिधि। प्रधान जी, जैसे कि ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा था, तो आपने जनता के बीच में कैसे क्या वादे लिए, विकास संबंधित आपने क्या वादे लिए, जनता के बीच में क्या प्राथमिकताएं देंगे? जनता के बीच में हमने वादे ये लिए कि 2005 से 15 तक का मेरा कार्यकाल रहा। उस कार्यकाल में हमने जनता के पर नाली, खरिंजा, पेंशन आदि ब्याज तो तमाम तरह की सेवाएं की। इस बार भी उन्हीं वादों को मैंने जनता के प्रति अपना वादा लिया। इस बार प्रधान जी, आपके यहाँ चुनावी दौर में काफी संघर्ष रहा होगा ना? संघर्ष पांच कैंडिडेट थे, पांच कैंडिडेटों के बीच में आप एक प्रधान प्रतिनिधि, गांव के मुखिया उभर करके आए हैं, तो आपका विकास कार्य पूर्व में कैसा रहा है, जनता ने आपको कैसे चॉइस किया है पुनः के बीच में, आप सीट के अनुसार आप बीच में आप प्रधान यहाँ के मुखिया नहीं बन पाए थे, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था, इसके पहले 80 सीट थी, 80 सीट के वजह से मेरा कैंडिडेट हार गया था। इस बार सामान्य सीट थी, इस बार जनता ने मुझे भी मौका दिया और गरीब जनता का विशेष मेरे साथ उनका कार्यकाल रहा, उसी का लाभ मुझे मिला। प्रधान जी का कहना है कि जनता के बीच में हम काफी समय देते रहते हैं और उनके बीच में समय समय से उनके कार्य, कोई बीमार हुआ, कोई कैसा हुआ, उनको ले जाना, अस्पताल ले जाना, किसी इसी सेवा भाव में जनता के बीच में, गांव सभा की जनता के बीच में हम सेवा भाव से लगे रहते हैं, इसी का रिस्पांस प्रधान जी को जनता ने, गांव की जनता ने, मतदाताओं ने दिया है। प्रधान जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार आप कितने वोटों से आप प्रधान के रूप में निर्वाचित हुए? 216। प्रधान जी, हमारे राकेश प्रताप सिंह प्रतिनिधि ने बताया कि हम इस एकौनी गांव सभा जो जीत हासिल की है, 216 वोट से विजेता और निर्वाचित हुए हैं। आइए हम और जानना चाहते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, आप गांव सभा में जाते थे, मतदाताओं से वोट मांगते थे, आपके बीच में वृद्ध लोग, उनका क्या आश्वासन आपकी तरफ रहा कि आप, हम चुनाव जीतेंगे तो हम आपके साथ ये कार्य करेंगे, आप उनके बीच में क्या रिस्पांस देंगे? जनता के बीच में हम जब जाते थे, जो हमारे जो वृद्ध जन है, उनसे जो मैंने वादा लिए हैं, पेंशन है, नाले है, खंजा है, कॉलोनी है, आदि आदि राशन कार्ड है, जो जो भी जनता ने मुझसे वादा लिया उसको मैं पूरा। प्रधान जी का कहना है कि हम अपने जो वृद्ध जन मतदाताओं को मैंने एक आश्वासन दिया है और ऐसे कार्य पूर्व में भी हम करते रहे हैं और जनता के बीच में सेवा देते रहे हैं और पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि विकास के लिए हम जनता के बीच में समर्पित रहते हैं। इसी के साथ मैं एस के कुशवाहा के साथ संतोष कुमार यादव, आप इंडिया नाउ 24 की खबरों के साथ बने रहिए। तहसील संवाददाता, रायबरेली।